एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक। We can see the arrival of the Honorable Prime Minister being greeted there in the traditional manner. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का सर्वधर्म प्रार्थना के लिए इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति भी है। शांते हस्तौ प्रक्षाल्या अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था अंगतोऽपि वा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु येन बद्धो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्री महागणपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचे पुरंदराभ्यां नमः अरुंधते वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः करिष्यमाणस्य कर्मणः आरम्भमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमः अभी इदानीं संकल्पः पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा शुभतिथौ अमुकगोत्रः नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नाम अहम् एतद्देश प्रतिनिधिभूतः एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थं एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्पर सौमनस्य सिद्ध्यर्थं एतद्देश परिपालनसमये मुख्यामात्य महोदयेन अन्यैः सचिवादिभिश्च योग्यनिर्णय स्वीकरणादिद्वारा
एतद्देश अभिवृद्ध्यर्थं एतद्राष्ट्र परिपालनांगभूत कार्यालय भवन निर्माण कार्यस्य निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां अनुकूलता सिद्ध्यर्थं नवग्रह प्रार्थनं भूदेवता प्रार्थनं अनंत कूर्म वराह देवता प्रार्थनं इंद्रादि दिक्पालक देवता प्रार्थनं संकल्पित सकल कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति प्रार्थना पुरस्सरं संसद्भवन निर्माणांगत्वेन आधारशिला स्थापन पूजनाख्यं कर्म करिष्ये मुदैति सर्वं तत्सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः श्री सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः गणानां त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणपतये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि क्षेत्रस्य पतिना वयगम्हित अभी नया संसद भवन के निर्माण हेतु सभी कार्य निर्विघ्न से संपन्न हो इसलिए भगवान गणेश जी का सबसे पहले प्रार्थना की गई है। सुबह से हमने पूजा सब कुछ किया हुआ था। अब इसके उपरांत क्षेत्रपाल की प्रार्थना करके उसके बाद भूमाता की प्रार्थना करेंगे, उसके उपरांत अनंत रूपी आदिशेष की पूजा करेंगे, तदुपरांत कूर्म और वराह रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे, नवग्रह की प्रार्थना करके नवरत्न से भरा आधार शिला की स्थापना की जाएगी, उसके बाद में नवधान्य नवरत्न और पंचधातु से भरा हुआ कलश की स्थापना होंगे, उसके बाद शंकु स्थापना किया जाएगा, सबसे अंतिम में आधार शिला सबसे प्रमुख शिलान्यास भी किया जाएगा। अभी क्षेत्रपाल की प्रार्थना करेंगे। क्षेत्रस्य पतिना भजगुंहितेने वजयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडाति दृशे क्षेत्रपालाय नमः सूर्यशौर्यमथेन्दुरिन्द्रपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिञ्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रशुभं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरं सततं सर्वेऽनुकूलाग्रहाः आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्री रिपुभयशमनं भार्गवशौर्यमार्गिः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरयशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेऽस्तु ग्रहाः कुर्म प्रचोदयात्।
भूदेव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि खननार्थमनुज्ञां देहि ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंध बंध घातय घातय हुम्फट श्लीं पशु हुम्फट